तो एजेंडा आज तक में इमरान खान से बातचीत में इमरान खान ने खास चीज़ें कुछ कहीं और इमरान खान ने सीधे तौर पर यह कहा कि पाक आतंकवाद पर पाकिस्तान में किसी तरह का आतंकवाद नहीं है। भारत से रिश्ते पर इमरान खान ने बोला कि सभी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरें, जंग से कोई मसला हल नहीं हो सकता। एजेंडा आज तक में इमरान खान ने सीधे तौर पर कहा मुंबई हमले पर पाकिस्तान के लोग भी रोए थे, बातचीत से ही सभी मसलों को सुलझाया जा सकता है, मुझे नहीं पता दाऊद पाकिस्तान में। क्या ऑब्जेक्शन हो? अगर यह सहमति है तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान एक 26/11 यानी मुंबई अटैक को लेकर कुछ नाम देता है, उस नाम को लेकर जिन लोगों के नाम दिए जाते हैं वो खुले तौर पर वहां पर घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि लीगल एस्पेक्ट भी वहां पर वर्क स्टेट की सुविधा के हिसाब से करता है। देखिए ये इश्यू नहीं है इस वक्त पाकिस्तान नहीं, मैं आपको देखिए प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक किस्म की टेररिज्म तो नहीं है, सेक्टेरियन टेररिज्म है, एथनिक टेररिज्म है, तालिबान की टेररिज्म है, तो ये एक अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर और प्रॉब्लम है कन्विक्ट करने का, विटनेसेस नहीं आते सामने, वो टेररिस्ट जो अब सिविलियन कोर्ट्स के अंदर, इसलिए उनके लिए स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए हैं क्योंकि सिविलियन कोर्ट्स के अंदर विटनेसेस सामने नहीं आते। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई, घर पहुंचे हैं सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। सो गाइस डू यू नो व्हाई ही इज कुक्कड़ कमाल दा, बिकॉज़ ही इज अ दिल्ली बॉय।